एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूं मनसमत, फिर से आप लोगों के लिए नया ब्लॉग लेके आया हूं। और ट्यूजडे और अभी टाइम हो रहा है करीब शाम के 4:30 के आसपास। और अभी मतलब आज देखेंगे तो सबको ऑलमोस्ट ठीक है, तो अभी मैं हॉस्पिटल थोड़ा सा निकल रहा हूँ क्योंकि मम्मी का आज प्रॉब्लम है, डिस्चार्ज होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा, तो देखते हैं जाके मैं आपको दिखाता हूँ और होगा तो फिर सब प्रोसेस आप हम दिखाएंगे आपको ब्लॉग में। और अगर आप मेरे वीडियो में फर्स्ट टाइम है, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो एंड तक जरूर देखिए, आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। और अगर आप अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए पहले चलते हैं फटाफट अभी हॉस्पिटल, और वहाँ पे अगर डॉक्टर क्या बोल रहे हैं देखते हैं, डिस्चार्ज करेंगे नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो पूरा प्रोसेस क्या है, अगर डिस्चार्ज का वो सब आपको मैं दिखाता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। बाहर जिस तरह का माहौल है, लग नहीं रहा कि रेनी सीजन है, पूरा ताबड़तोड़ वाला धूप हो रहा है यार। तो निकलते हैं फटाफट अपन हॉस्पिटल। और संबलपुरी डे कल था, लेकिन मैंने आज पहना है संबलपुरी ड्रेस, काफ़ी तगड़ा है भाई साहब। कल है या आज है यार पता नहीं, तो थोड़ा सा पहन के घूम लेते हैं। और वहाँ पे देखिए पापा और नैन्सी गई है ट्यूशन, तो मिलते हैं फिर अपन ब्लॉग में आगे। काफ़ी ताबड़तोड़ धूप है भाई साहब। ये अराइव्ड हॉस्पिटल, तो चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस हो रहा है अंदर, आज डिस्चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो है डिस्चार्ज का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और दवाई वगैरह तो मिल गए। मैं थोड़ा सा कुछ फोटोकॉपी करवाना है मेडिकल बुक का, तो करवा के आता हूँ और देखते हैं कि टाइम ऑलमोस्ट मतलब 6 बजने वाला, तो देखते हैं कब डिस्चार्ज हो रही है मम्मी। बट फाइनली अगर डिस्चार्ज हो जाएगी, दवाई तो फिर से करीब 1 किलो मिला है भाई, 8 से 10 प्रकार के। ये मैं जा रहा हूँ, देखिए पीछे एक ना एक शॉप है हॉस्पिटल से सट के ही, यहाँ पे फोटो कॉपी वगैरह होता है, तो वहीं से फ़ोटो कॉपी वगैरह करवा के लेके आता हूँ सब सर्टिफिकेट। पहले फ़ोटो कॉपी हो गया, एक आध दवाई भी लेना था, अपन ले लिया है, तो चलते हैं अभी डॉक्टर के समझेंगे क्या क्या करना है, दवाई कैसे खाना है, उसके बाद फिर डिस्चार्ज। फाइनली अभी 7 बज रहा है, तो मतलब शाम के बजने वाला है, और अभी मम्मी का डिस्चार्ज हो गया तो फाइनली अभी निकल रहे हैं, घर पहुँचते हैं, उसके बाद देखिए बात करेंगे फिर ब्लॉग में आगे। और लेकिन हॉस्पिटल का खेल अभी भी ख़त्म हुआ नहीं है, अपन को डेली अभी 3-4 दिन लगातार जो है ना आना पड़ेगा सुबह सुबह 8-9 बजे गैली वार्ड में ड्रेसिंग करने के लिए। तो भी वो एक अलग से लफड़ा है, क्योंकि मम्मी का अभी ऑपरेशन हुआ है, तो वो सीढ़ी चलना उड़ना काफ़ी लफड़े वाली बात है, देखते हैं कैसा हो रहा है। बस 4-5 दिन फिर से ऑपरेशन होना पड़े, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ फिर घर पहुँच के। फाइनली अपन पहुंच गए हैं घर, देखते हैं कुछ आज ट्यूजडे मार्केट है, अपना हॉस्पिटल सेक्टर एरिया, मैं तो कुछ होगा तो जाएंगे मार्केट। है हमारा चला है, सब्जी का लिस्ट मिल चुका है और मैं जाता हूँ थोड़ा सा। दादा को सब्जी नहीं है एक्चुअली, नॉनवेज का कुछ सब्जी लेकर आना था, लौकी तुरई वगैरह कुछ है उसमें, आपका खीरा वगैरह है, तो मैं फटाफट लेके आता हूँ और फिर अपन बात करते हैं ब्लॉग में आगे। फिर रियलाइज यार कल ड्यूटी जाने वाला होना काफ़ी दिन बाद, तो एक्साइटमेंट भी हूँ, ऐसा लग रहा है कि 20 दिन की एक जगह ना छुट्टी पे था मैं। बाप रे, अभी टाइम करीब रात के 10 बज चुके हैं, और मैं जो है डिनर वगैरह करके अभी बस आ गया हूँ बेडरूम में, और आज डिनर में कुछ लौकी वगैरह बना था मम्मी के लिए, अभी डेली शुगर फ्री वाला जो है वेजिटेबल सब्जी बन रहा है, लौकी हो गया, तुरई हो गया, दलगा हो गया। तो अभी आज मैं वही मार्केट गया था, मार्केट से फिर भी वही सब्जी सब लेके आ गया, गलकी लौकी तो तुरई वगैरह, और उसके बाद आके फिर डिनर बना के एक आध मूवी देखा, और उसके बाद फाइनली अभी बेड में आ गया, तो थोड़ा बहुत सोते हैं यार, काफ़ी दिन से एक अच्छा रिलैक्स वाला नींद आने वाला है। सो होपिंग है आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट करना वीडियो, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपन मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में, क्योंकि कल से नया लाइफ अपना चालू होने वाला, हॉस्पिटल का झंझट खत्म हो गया। हालांकि हम लोग आधे घंटे के लिए हॉस्पिटल जाने वाले हैं, मम्मी का थोड़ा ड्रेसिंग वगैरह बच्चा है, तो सुबह फिर मैं हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ से ड्रेसिंग वगैरह खत्म करके फिर मैं जाऊंगा ड्यूटी। तो मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।